मेरा नाम है डॉक्टर अभिनीत गुप्ता और अगेन मैं आपके आज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जो आपके मतलब है, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, सबके लिए काम करेगा ये टॉपिक, मतलब ये प्रोडक्ट। मैं आज प्रोडक्ट बताने वाला हूँ, सबके लिए काम करेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे अंकल हो चाहे आंटी हो, छोटे बच्चों के लिए नहीं है। खैर, तो मजाक से हटके मैं आज आपको बताऊँगा स्क्रब के बारे में, कौन सा फेस स्क्रब हमको यूज़ करना चाहिए और क्यों यूज़ करना चाहिए। आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे डॉक्टर्स आपको बोलते होंगे, आपने देखा होगा उनको बोलते हो कि आप फेस को मतलब ऐसे से रगड़ो मत, ये मत करो, टॉवल से बहुत टैप करके पोंछ चाहिए पानी को, ये या कुछ हद तक वो ठीक है, मगर हमें स्क्रब क्यों यूज़ करना चाहिए और हमें स्क्रब कब कब यूज़ करना चाहिए और स्क्रब के बेनिफिट क्या है। आपके स्किन, हमारी स्किन जो होती है, हमारी स्किन जो होती है वो हर 28 डेज में ग्रो होती है, ठीक है। तो होता क्या है कि हम लोग जिस स्टाइल में हम लोग रहते हैं, हम लोग इंडिया में रहते हैं और हम लोग बहुत सारा वर्क होता है, काम में जाना पड़ता है, लोगों को ऑफिस में जाना पड़ता है और अपने हर कोई अपने स्किन का ख्याल होती है अच्छे से रख नहीं पाता है, जिसके कारण उनकी स्किन में, उनकी फेस में बहुत ज़्यादा डेड लेयर एक्यूमुलेट हो जाती है, जम जाती है। अब वो जब डेड लेयर जम जाती है फेस में, तो वो क्या करता है, वो आपकी लाइट जब आपके फेस में पड़ती है तो वो उसको खा जाता है, इसके कारण आपके फेस में रिफ्लेक्शन कम दिखता है और जिसके कारण आपका फेस चितकबरा दिखता है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जिनका फेस अजीब सा दिखता है, कहीं डार्क है कहीं लाइट है, जस्ट बिकॉज उनकी डेड लेयर बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है। अब इस डेड लेयर को निकालने कैसे चाहिए, इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। आप स्क्रब कर सकते हो, आप पीलिंग कर सकते हो, जब आप डॉक्टर के पास जाओगे, मेरे पास आओगे तो मैं कहूँगा आपके क्लिनिक पर आइए और पीलिंग कराइए। पीलिंग में क्या करेंगे, हम डेड लेयर को निकाल देंगे, माइक्रोडर्माइब्रेशन होता है, पार्लर में जाएंगे तो वो माइक्रोडर्माइब्रेशन के थ्रू आपको स्किन को पील ऑफ कर देंगे, डेड लेयर को निकाल देंगे। जब भी आप पार्लर जाते हैं, आप कोई फेशियल कराते हैं तो भी आप स्क्रबिंग करते हैं, जब स्क्रबिंग करते हैं तो डेड लेयर निकल जाती है, सुपरफिशियल क्यूटेनस लेयर निकल जाती है। अब जब सुपरफिशियल क्यूटेनस लेयर निकल गई है तो आपके फेस में चमक आ जाती है। एक बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जो सरफेस चिकनी होती है वो रिफ्लेक्ट करती है, लाइक टाइल्स है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और हमें ग्लेयर दिखता है, मगर जो काली मिट्टी होती है वहाँ पे जब सन रेस पड़ती है तो क्या होता है, वो लाइट को खा जाती है, बिकॉज वहाँ पे डेड, मतलब वहाँ पे डेड स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। सेम आपकी स्किन के सेल में या आपके फेस में डेड लेयर जमा होगी तो लाइट को एब्जॉर्ब ज़्यादा कर लेगी तो रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेगी। तो जब आप फेस को वॉश आउट करेंगे और आप स्क्रबिंग करेंगे तो जब डेड लेयर निकल जाएगी तो आपके फेस बहुत ज़्यादा शाइन मारने लगेगा और आपको ज़रूरी नहीं कि आप पार्लर जाके ये चीज़ कर पाए। आपने बहुत बार देखा होगा जब फेशियल लेते हैं पार्लर में तो पार्लर वहाँ से निकलने के बाद आपका फेस एक हफ्ते 10 दिन बहुत चमकता है, आप बहुत खुश रहते हो। ये खुशी उस क्रीम की नहीं, उस स्क्रबिंग की है, रिजल्ट जो आया वो स्क्रब के कारण डेड लेयर निकल गई। और ऑल्दो जो प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं वो अच्छे होते हैं, वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करते हैं, मॉइस्चराइज करते हैं, तो आपका बहुत अच्छा स्किन फील होने लगता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा स्क्रबर जो मुझे अच्छा लगा फील, जो उसमें इंग्रेडिएंट कौन सा अच्छे हैं, वो हमें जो यूज़ करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वर्क करेगा वो। और स्क्रबर, तो मैं आपको स्क्रबर को सही तरीके से यूज़ करने का जो तरीका है वो बताऊंगा और कैसे कितना यूज़ करना चाहिए एक्चुअली स्क्रबर। तो मैं आपको बता दूं कि हर 15 दिन में आपको स्क्रबर करना चाहिए, आपको स्किन को स्क्रब करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी स्किन की जो डेड लेयर वो रिमूव होती रहेगी। जब हमारी स्किन की डेड लेयर रिमूव होती रहेगी तो वो एकदम हेल्दी ग्लोइंग स्किन आपको मिलेगी, वहाँ पे खून का फ्लो बढ़ जाएगा, सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, तो क्या होगा वहाँ पे टॉक्सिन एक्यूमुलेट नहीं होंगे तो आपके वहाँ पे एक्ने नहीं होंगे, बिकॉज टॉक्सिन ही होते हैं जो आपके पी एक्ने बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं और वहाँ पे जो आपको बहुत सारे टॉक्सिन एक्यूमुलेट हो जाते हैं, आपके ओपन पोर्स होते हैं, आपको ब्लैक हेड्स हो रहे हैं तो वो आपको चेहरे को एकदम डल बना देते हैं, तो ये आपके ब्लैक हेड्स को भी रिमूव करेगा, आपके ओपन पोर्स को भी टाइट करेगा और आपके फेस से सारी गंदगी को रिमूव कर देगा। साथ ही साथ जब आप स्क्रबर करते हैं तो आप मैन्युअली जब आप उसको एक फ्रिक्शनल मूवमेंट देते हैं तो आपके खून का फ्लो बढ़ता है आपकी स्किन के लेयर में, जब खून का फ्लो बढ़ेगा तो आप जो हेल्दी न्यूट्रिशन डाइट लेते हैं, जो आप नहीं ले रहे हो तो लेना चालू करिए, तो वो आपकी खून, आपकी स्किन के सेल को, जो आपके फेस के सेल होंगे, स्किन के लेयर होंगे, उनको सेल को बहुत ज़्यादा अच्छे न्यूट्रिशन मिलेंगे तो वो जल्दी हेल्दीली और ज़्यादा अच्छे से ग्रो होंगे। साथ ही साथ जब खून का फ्लो बढ़ेगा तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो वो आपके वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगा, जिसके कारण आपके स्किन को, सेल को ऑक्सीजन ज़्यादा अच्छे से मिलेगी और वो ज़्यादा अच्छे से हेल्दीली ग्रो करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो समीशा का स्क्रबर है, इसके अंदर कॉफ़ी है, ओट मील एंड हनी है। तो हनी आपको पता है एंटी इन्फ्लेमेटरी भी काम करता है, तो अगर आपको एक्ने वैक्ने हो रहे हैं तो वो उसमें भी वर्क करेगा, साथ ही साथ आपकी स्किन को हाइड्रेट बहुत अच्छा करेगा और साथ ही साथ में ओल्ड मील भी है जो आपकी इसको ड्राई नहीं होने देगा, साथ ही साथ में कॉफ़ी ग्रिट है जो स्क्रबिंग और जो कॉफ़ी का बेनिफिट है आपकी स्किन को, एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट है वो आपको ये देगा। तो लगाने का तरीका बहुत ही सिंपल है, हर 15 दिन में आपको फेस को गीला करना है। पता है इसकी खुशबू इतनी अच्छी है ना,
कैसा लग रहा है मैं इसको खा लूँ, बट प्लीज़ ये सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ के लिए, इसको खाना नहीं। और कभी भी स्क्रबर को आँखों के अराउंड नहीं लगाना चाहिए, ना ही लिप के अराउंड लगाना चाहिए। वाई? रीज़न ये है कि यहाँ पे हमारे आँखों की जो नीचे की स्किन होती है ना, वो बहुत ही सेंसिटिव होती है, बहुत ही थिन होती है। तो जब आप उसको रब करेंगे तो वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स आ रही हैं, माइन्यूट ब्लड वेसल्स हैं, वो ब्रेक हो जाएंगी। वो जब ब्रेक होंगी तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ब्लड फैल जाएगा। जब ब्लड फैल जाएगा तो वहाँ पे वो जो उसका स्टेन है, लाइक हीमोग्लोबिन पिगमेंट है, वो वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे, जिसके कारण आपको डार्क सर्कल दिखने लगेंगे। ये बहुत बड़ा रीज़न होता है डार्क सर्कल का कि आप फेस को अगर वहाँ पे रब कर रहे हैं। आपको मसाज करना है तो अगर आप विटामिन ई के कैप्सूल लेकर उसको मसाज करिए तो आपके डार्क सर्कल भी नहीं आएंगे और आई भी हेल्दी रहेगी। इसको नहीं करना है, तो इसको आपको फेस में लगा के सर्कुलर डायरेक्शन में आपको इसको रब करना है, सर्कुलर डायरेक्शन में रब करना है। और आपको कम से कम 2 से 3 मिनट रब करना है और 1-2 मिनट लगा के छोड़ना है। जब उसको लगा के छोड़ेंगे ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए और अपना इफेक्ट दे पाए। ऐसे नहीं कि लगा के और बहुत जल्दी कर दिया। देखो जितना लगाएंगे जितनी देर स्क्रब करेंगे उतनी जल्दी, उतनी देर तक वो जितनी देर स्क्रब करेंगे उतने वो आपके डेड लेयर को रिमूव करेगा। आपको फेस वॉश की तरह इसको वॉश करके धोना नहीं है, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। वॉश करके इसको लगा के वॉश इसको लगा के आपको रब करना इंपॉर्टेंट है। जब आप रब करेंगे तभी आपकी डेड लेयर निकलेगी, और स्क्रबर का मतलब ही होता है डेड लेयर को रिमूव करना। अगर आप इसको डेड लेयर को रिमूव नहीं कर पाए तो इट्स ऑल वेस्ट, आपका टाइम वेस्ट, आपका मनी वेस्ट, सब कुछ वेस्ट। तो आपको इसमें जिस आपको लेना है अपने स्किन फेस की स्किन को गीला करना है, और इसको लेके आप देखेंगे इसमें मेरे को फील हो रहा है ग्रिट, खुशबू बहुत ही अच्छी है। कॉफ़ी समझ के खा मत लेना। स्टेप्स आपको रब करना है, आपको इसमें दरदरापन फील होगा विच आर कॉफ़ी ग्रिट, और वही आपकी स्किन को डेड लेयर को रिमूव करेंगे। जब आपकी डेड लेयर रिमूव हो रही होगी साथ ही साथ आपके वहाँ पे जब सर्कुलर डायरेक्शन में आप इसको रब करते हैं तो वहाँ से अंदर से टॉक्सिन्स भी रिमूव होते हैं। आपको याद है आपने खीरा देखा है, खीरा ककड़ी आप काट के उसका विष निकालते हैं, ऐसे हिला हिला के ऐसे गोल गोल हिलाते उसके ऊपर रख के, तो उसके अंदर से जहर निकलता है, विष निकलता है, कड़वापन। सेम आपके बॉडी के कड़वेपन को भी आप निकाल लीजिए इसी तरह से सर्कुलर डायरेक्शन में रब करके। आपको 2 से 3 मिनट रब करना है इस तरीके से, एंड देन आपको 1 से 2 मिनट छोड़ना है और फिर वॉश आउट करना है। गाइज एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये प्रोसेस जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये प्रॉपर नहीं करेंगे तो फिर रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा अच्छा, बिकॉज ये करने से ही आपके वो डेड लेयर निकल रही है। और आपको पूरे फेस में करना है, बस आपके आंखों के अराउंड एरिया को छोड़ देना है। खुशबू बहुत ही अच्छी है, अलग ही आप कॉफी ग्रिट को फील कर सकते हो। इसके बाद आपको उसको वॉश आउट करना है, तो मैं तो बाथरूम में जाऊंगा अभी, मैं यहीं पे वॉश करूंगा। यू हैव टू क्लीन इट। इसको 1-2 मिनट लगाने के बाद आपको वॉश करना है, ओके? या फिर जब डेड लेयर निकालते हैं तो देखो बहुत कोई बहुत इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ये नॉर्मल जो है जैसे सारे स्क्रबर वर्क करते हैं वही है। बट इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट जो मिल रहा है वो हनी का मिल रहा है, आपको ओट मिल का बेनिफिट मिल रहा है। देखो आपको अलग से ओट मिल की क्रीम लगानी पड़ती है जब आपकी स्किन ड्राई होती है, तो उसका बेनिफिट मिल रहा है, साथ में आपको कॉफ़ी का भी बेनिफिट मिल रहा है। ये थोड़ा एरिया देखो आप ज़्यादा डेड लेयर निकल गया तो ज़्यादा शाइन मार रहा है, और ये एरिया में थोड़ा है। देखो मैं गोरा हूँ, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको ऐसा नहीं दिखेगा, बट यार आपकी शाइनिंग लेवल का लेवल बढ़ जाएगी, और आप थोड़ा जब ये फॉलो करेंगे रेगुलर तो आपकी स्किन बहुत हेल्दी रहेगी। हमें हमारी स्किन को हेल्दी रखना है। देखिए ये किसी भी एज से आप स्टार्ट कर सकते हो, आफ्टर 18 आप ये स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज आफ्टर 18 आपको हमारी स्किन को नीड होती है सब चीज़ों की। तो ये मैं सोचिएगा कि आप जब 25-30 साल के जाएंगे तो ही करें, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है यार, ये तो आप घर में रखना चाहिए, हर कोई रखता ही है। मेरे को लगता है आप लोगों के पास होगा, बट तो स्क्रबर तो आप लोगों के पास होगा, बट तो कोई अच्छी कंपनी, ऐसी कंपनी का लो जो आपको रियली में रिजल्ट बहुत अच्छे दें। तो इसके अंदर मैं आपको बता ही दिया है मेजरली सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं। इसकी प्राइस है 599, 600 रुपये का ये 100 ग्राम का स्क्रबर है, जो कि 15 दिन में एक बार लगाना है। तो एक बॉटल आप ले लोगे तो एक कम से कम आपका मेरे ख्याल से साल भर चल जाएगा यार, मतलब महीने में 2 बार बहुत ही कम लगना है, और 100 ग्राम है तो 1 साल तक ये आराम से आपका चल जाएगा। फेस के लिए 600 रुपये आप खर्च कर सकते हो अच्छे हेल्दी स्किन के लिए। तो और ये मिलेगा कहाँ पे, आपको मिलेगा मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे जाके उसको बाय परचेज कर सकते हो, परचेज करके इसको खरीद सकते हो, खरीद के इसको लगा सकते हो। और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मेरी आईडी डॉक्टर अभिनीत गुप्ता। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसा बताने के लिए बचा नहीं मेरे पास। बाय।
कुछ भी डाउट हो प्लीज इंस्टाग्राम पे आओ और एक साथ सारे मैसेज पूरे एक्सेप्ट करना, पूरा मैसेज अपने कोई सारी प्रॉब्लम का, और उसके बाद ऐसा नहीं हाय हेलो करके छोड़ दो, कोई भी डाउट है पूरा मैसेज लिखो, अपनी फोटो भेजो मुझे ताकि मैं समझ पाऊँ और मैं आपको रिप्लाई करूँगा वहाँ पे। बाय। तो ये खरीदेगा जरूर, लिंक मैं नीचे डालूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लोगों को कन्फ्यूजन होता है कहाँ है कहाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वापस सब कुछ लिखें, वापस क्लिक करो और पहुँचाओगे आप पेज पे, उसको बाय कर लो। बाय।